यार विराट कोहली तो वैसे ही मेरे फेवरेट हैं और बहुत ज़बरदस्त किस्म का खेलते हैं। ना सिर्फ विराट कोहली बल्कि उनकी टीम का एक एक बंदा तारीफ के काबिल है। केएल राहुल को देख लें, रोहित शर्मा को देख लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस क्या नाम है आपका? निम्रा। निम्रा मुझे ये बताएं, आज पाकिस्तान वर्सेज इंडिया का मैच था, पहला वर्ल्ड कप जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुआ, पाकिस्तान इंडिया से मैच हार चुका, क्या जज्बात है? यार ये लोग जानबूझकर हारते हैं, ठीक है ना, कोई इनको अब ये मैचेस होते हैं इनमें कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई मेंटेनेंस नहीं है, कोई प्रैक्टिस वगैरह कुछ भी नहीं होता, यहाँ पर वैसे ही मुंह उठाकर मैच खेलने चले जाते हैं, वो हार के वापस आ जाते हैं। उसके बरक्स अगर हम इंडिया की बात करें तो वहाँ पर आपको भी पता है कि उनकी मेंटेनेंस कितनी ज़बरदस्त है, वो लोग कितनी ज़बरदस्त उनकी कोचिंग है, उनको किस तरह से प्रैक्टिस करवाई जाती है, और सबसे बड़ी बात कि वो सिंसियर है, उन्हें पता होता है कि इस तरह के मैचेस में अगर हम नाम कमाएंगे तो इंडिया का नाम ही रोशन होना है। ना सिर्फ मैच में बल्कि उनके हर स्पोर्ट्स के सेक्टर में जो है वो ज़बरदस्त किस्म का प्ले करते हैं। अब उनके आप विराट कोहली को ही देख लें, कितना ज़बरदस्त हाफ सेंचुरी से ऊपर उसका स्कोर गया है। यहाँ के देख लें आप प्लेयर्स डिप्रेशन का शिकार होकर बैठे होते हैं, वो लोग वहाँ पर ऐसे प्रेशर लिया जैसे पता नहीं क्या हो गया। आज बाबर आजम ने और रिजवान ने आउट ऑफ फॉर्म गए हैं दोनों, ना बाबर ने कुछ स्कोर किया ना रिजवान ने किया, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को अपनी बैटिंग में क्या चीज़ें बेहतरी लानी चाहिए जिससे पाकिस्तान इंडिया का अच्छे तरीके से मुकाबला कर सके? आप कह रहे हैं क्या चीज़ें बेहतरी लानी चाहिए, मैं कहती हूँ पूरी बेहतरी लानी चाहिए, पूरी टीम में बेहतरी लानी चाहिए। कौन सी बात है जो इनमें अच्छी है? कुछ भी अच्छा नहीं है इनमें, ज़रा मेहनत नहीं करते हैं, ज़रा इनकी कोचिंग किसी ना काम की कोचिंग है। आपको क्या लगता है कि एंड वाला ओवर था उसके अंदर नो बॉल भी हुई, वाइड भी हुई, क्या आपको लगता है कि मैच फिक्सिंग की तरफ था? नहीं, क्यों मैच फिक्सिंग की तरफ क्यों होगा? अच्छा अगर वो लोग जीत गए तो इसका क्या मतलब है कि मैच फिक्सिंग हुई है? इससे पहले भी तो वो बहुत दफ़ा पाक वर्सेज इंडिया में इंडिया जीता है, ऐसा तो नहीं है कि मैच फिक्स हो। पाकिस्तान के प्लेयर्स खुद ही सिंसियर नहीं है काम के साथ। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी जो प्लेयर हैं वो हमारी हुकूमत से बहुत अच्छे दामों में बड़ी अच्छी तनख्वाहें लेते हैं, क्या ये पैसा हराम कर रहे हैं? जाहिर सी बात है, और क्या कर रहे हैं, पैसा खाई जाते हैं, और हुकूमत से नहीं इधर उधर कंट्रियों से भी लेते हैं ये पैसा। तो अब आपको क्या लगता है कि इंडिया को किस तरीके से बेहतरी करनी चाहिए कि इंडिया वर्ल्ड कप जीत सके, और पाकिस्तान को अपने आप में क्या बेहतरी लानी चाहिए? यार इंडिया को बेहतरी तो यही, पहले ही वो लोग जो है वो बहुत अच्छे तरीके से अपना जो है वो प्रैक्टिस वगैरह करते हैं, सिंसियरिटी से काम करते हैं, तो और सिंसियरिटी से करते रहे और इंशाल्लाह जीत जाएंगे। और पाकिस्तान को तो मेरा ख्याल है अभी सर से लेके पाँव तक सारी की सारी मेहनत चाहिए इनको। विराट कोहली के बारे में कोई कमेंट करना चाहें? आज उन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग की। यार विराट कोहली तो वैसे ही मेरे फेवरेट हैं और बहुत ज़बरदस्त किस्म का खेलते हैं। ना सिर्फ विराट कोहली बल्कि उनकी टीम का एक एक बंदा तारीफ के काबिल है। केएल राहुल को देख लें, रोहित शर्मा को देख लें, जडेजा को देख लें, बुमराह को देख लें, अब मैं कितनों के नाम लूंगी यहाँ पर खड़ी होकर। पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन बहुत अच्छी है, वर्ल्ड लेवल पे माना जा रहा है, पाकिस्तान के बॉलर बहुत अच्छे हैं। पहले होती थी, अब नहीं है। अभी इस मैच में शहनशाह अफरीदी भी खेले हैं, नसीम शाह भी खेले हैं, काफी पाकिस्तान के अच्छे अटैक करने वाले बॉलर खेले हैं, फिर भी उनसे इंडिया से मैच क्यों नहीं लिया गया? देखो यार मैंने आपको बोला है ना कि बॉलर जो थे वो पहले इनके जबरदस्त थे। हाँ पहले माना जाता था कि कोई है पाकिस्तानी टीम भी है, अब तो ना होने के बराबर ही है, मुझे लगता है आने वाले सालों में नाम ही खत्म हो जाएगा इनका कि कोई पाकिस्तानी टीम होती भी थी। मिस थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। सर क्या नाम है आपका? गुलाम मुस्तफा। सर जैसा कि आपने आज मैच देखा पाकिस्तान वर्सेज इंडिया, T20 का फर्स्ट मैच हुआ ऑस्ट्रेलिया के अंदर, पाकिस्तान मैच हार गया, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान मैच एक्चुअली पाकिस्तान मैच जीता हुआ रहा है, पाकिस्तान मैच कम्प्लीट जीत चुका था, लास्ट ओवर जो सेकंड लास्ट ओवर हार्डेस्ट ओवर के आखिरी दो बॉल पर छक्के लगे उसके बाद पाकिस्तान मैच आ रहा है। आपको क्या लगता है कि मैच इस हिसाब से फिक्स था क्योंकि नो बॉल हुई उसके बाद वाइड बॉल हुई, क्या कह रहे हैं पाकिस्तान टीम? नहीं, फिक्स का मैच नहीं कह सकते, आखिरी ओवर स्पेशली जो होता है ना, आखिरी ओवर फास्ट बॉलर का होता है। दूसरी बात ये कि वो मैच जो आखिरी प्रेशर वाला ओवर था नवाज को करना, बहुत प्रेशर था, हाई स्टैंडर्ड का मैच था तो ईजी नहीं है, लेकिन उसके वो बॉल बार बार खा रहा था, वाइड बॉल खा रहा था, उसके बाद वो जो मैच जो विकेट पर लगी बॉल वो 3 रन वो ICC कानून के खिलाफ है, वो रन भी नहीं होते थे, वो रन जो ऐसे चले गए वो उसके बाद भी पाकिस्तान मैच हार गया। आपको क्या लगता है कि नवाज की जगह किसी और बॉलर को लास्ट ओवर करवाना चाहिए था? नहीं, नवाज को लास्ट ओवर में कोई बॉलर बचे नहीं था, अगर इफ्तिखार को उसे देते तो वो ऑफ स्पिन बॉलर था, उसको इजी पाड़ सकते थे, उसको छक्का इजी लग जाना था, तो नवाज ने अपना अच्छा किया है, लेकिन क्या कह सकते, बैड लक हो चुकी है, 9 बॉल होगी, 1 बॉल पर 10 रन गए हैं, विराट कोहली आउट भी हो चुका था और विकेट पर बॉल लगी, लेकिन उसके बाद 3 रन विकेट के अंदर लाकर 3 रन हो चुके हैं, ऐसे रन होता ही नहीं ICC के खिलाफ कानून है, लेकिन वो ICC इंडिया वाले क्या कह सकते हैं। आपको क्या लगता है विराट कोहली ने जो आज बैटिंग किया, 70 स्कोर उन्होंने मारा है, ठीक है, बड़े अच्छी बैटिंग किया, विराट कोहली के बारे में क्या कहना चाहिए? विराट कोहली बहुत क्लास का प्लेयर है, आउटस्टैंडिंग प्लेयर है,
पहली बात यही कह रहे थे अगर विराट कोहली है वो ऐसा प्लेयर है कि वो इंडिया को मैच जिता सकता है। शुरू में वो थोड़ा सा लो स्ट्राइकर से खेल रहे थे लेकिन एंड पर वो मैच फिनिश करके गए, बहुत आला इनिंग खेली उन्होंने। बाबर आजम आज कुछ स्कोर नहीं कर पाए, रिजवान भी कुछ स्कोर नहीं कर पाए, इन दोनों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ICC कह रहा था कि दो बहुत अच्छे ओपनर हैं, इनसे डर रहा है इंडिया की टीम को। एक्चुअली में जो बॉल नया था, पहले जो बॉल स्विंग हो रहा था वो दो जो बॉलर उनके थे वो अर्शदीप है और भुवनेश्वर कुमार, वो स्लो बॉल कर रहे स्विंग कर रहे थे। और इनकी ये बाबर आजम और रिजवान की क्या होता है, इनके ऊपर प्रेशर होता है कि इन्होंने लंबा जाना होता है, इनके पास ज़्यादा स्ट्राइक जो होता है रिस्क फ्री नहीं खेल सकते हैं क्योंकि पीछे हमारा विलर आर्डर थोड़ा वीक है लेकिन वो कभी बाई चांस चल जाता है, उनको थोड़ा सा लेकर चलना पड़ता है। जो बॉल स्विंग ज़्यादा हो रहा था, बाबर आजम ने तो खेल ही नहीं है, एक बॉल पर आउट हो गया, तो रिजवान काफ़ी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे, वो बस विकेट देने के बाद हमारा रन कम हो गया था, अगर वो खेलते तो रन ज़्यादा हो सकते थे। एंड में पाकिस्तान इंडिया की टीम दोनों को कोई एक एक मैसेज दे रहे? मैसेज ये है कि मैच बहुत आउटस्टैंडिंग हुआ है, बहुत दिलचस्प मैच हुआ है दोनों तरफ, आखिरी ओवर आखिरी दो बॉल पर भी मैच इधर उधर जाता रहा, वहाँ बहुत इंजॉय किया मैच और बेस्ट ऑफ लक दोनों टीमों के लिए, पाकिस्तान इंशाल्लाह सेमीफाइनल खेलेगा। सर थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? अकमल खान। अकमल खान, आपने आज का मैच देखा, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, इंग्लैंड के अंदर मैच हुआ, वर्ल्ड कप का पहला मैच था, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, सॉरी पहले मैंने ऑस्ट्रेलिया का, इंग्लैंड का, ऑस्ट्रेलिया का, सॉरी। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? अकमल खान। सर आज आपने मैसेज फक आगे दोबारा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? अकमल खान। सर आपने आज, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? अकमल खान। सर आज आपने मैच देखा पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, पाकिस्तान इंडिया से बहुत टफ सिचुएशन के अंदर मैच पड़ गया था, ना पता लग था पाकिस्तान जीतेगा ना इंडिया, जो पाकिस्तान हार गया मैच, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? बस क्या बोले यार, आज जीतो भजन मुकदर में होता है, हार जीत होती है, ये तो खेल है, इसमें कोई शर्त नहीं लगाना चाहिए, हम पाकिस्तान को बुरा नहीं कह सकते, वो भी अच्छा मैच खेल है। हैंड बे ओवर पे जो मैच, जो नवाज ने जो नो बॉल डाले फुल टॉस करके चक्कर लगे उसको, उधर मैच सारा ख़राब हो गया, पाकिस्तान के ऐसे मैच चला गया, उसके बाद पाकिस्तान ने मिस फील्डिंग भी बहुत की है। आपको क्या लगता है पाकिस्तान की बॉलिंग इस वर्ल्ड लेवल में बहुत अच्छी मशहूर जा रही है कि पाकिस्तान के बॉलर बहुत तगड़े हैं पूरी दुनिया के अंदर, फिर भी पाकिस्तान बॉलर की वजह से मैच हार रहा है कैसे? नहीं, पाकिस्तान की बॉलिंग तो बहुत अच्छी है यार, आज से हिसाब लगा लो, आज से पहले पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत टॉप है, अभी भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है। जब भी इंडिया के साथ मैच होता है पाकिस्तान की परफॉर्मेंस क्यों इतनी लो हो जाती है? ये प्रेशर होता है, आपको पता है इनका कोई सीरीज मैच होता नहीं है, क्योंकि रोज़ाना रेगुलर खेल है, इनका साल बाद पाँच साल इनको जब वर्ल्ड कप आते हैं इन लोगों का फिर मैच होता है, और बेसिकली पाकिस्तान इंडिया का कभी मैच ऐसा बना नहीं है कि वो लोगों ने अभी कोई प्रेशर मैच खेला, टॉप मैच होता है। विराट कोहली ने आज 70+ स्कोर किया, विराट कोहली के बारे में क्या कहना चाहिए? विराट कोहली तो मेरा मनपसंद प्लेयर है, विराट कोहली को तो बहुत, मैं एक ट्वीट भेजना चाहता हूँ, जो उसने जो प्रिंसिपल किया मास्टर, बहुत अच्छा मैच खेला है, एंड तक उसने उम्मीद नहीं आ रहा है, वैसे किसके चार आउट थे, किसको उम्मीद में थी कि इंडिया 120 भी स्कोर चेस करेगा, लेकिन फिर भी उसने ना विराट कोहली ने बहुत अच्छा मैच आगे लेके। आपको क्या लगता है पाकिस्तानी टीम को क्या बेहतरी करनी चाहिए कि पाकिस्तान आइंदा आने वाले मैच जीत सके? पाकिस्तान को तो चाहिए फुल मतलब मेहनत करे आगे, ये कोई आम मैच नहीं है, ये सीरीज मैच है, ये 20 और बेसिकली जो ऑस्ट्रेलिया की जो ग्राउंड है ये बहुत टॉप ग्राउंड है, इधर ये स्कोर चेस करना बहुत मुश्किल है, ये कोई दुबई का ग्राउंड नहीं है या अबू धाबी नहीं है कि पाकिस्तान भी उधर मैच स्कोर चेस भी कर सकते हैं और मार भी सकते, ये तो नहीं, ये ऑस्ट्रेलिया के होम ग्राउंड होते हैं, ये बहुत हैवी ग्राउंड होते हैं, इंग्लिश ग्राउंड होते हैं, इस पर स्कोर चेस करना बहुत मुश्किल होता है, और बेसिकली पाकिस्तान को इस जो आगे जो मैच आ रहा है वो पाकिस्तान के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन चाहिए पाकिस्तान आगे बहुत मेहनत करें। इंडिया की टीम के लिए कोई मैसेज? इंडिया की टीम तो बस यही मैसेज है, इंडिया बहुत अच्छा खेला है आज, ये नहीं कि हमारा दुश्मन है उसकी बुराई करें, ये हार जीत होता रहता है, लेकिन इंडिया आज बहुत अच्छा खेला है, विराट कोहली बहुत अच्छा खेला है और इंडिया का टीम से मेहनत बहुत की है। सर थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मासल खान। सर मुझे बताएं आज आपने पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच देखा, पाकिस्तान इंडिया से मैच हार गया, इस बारे में क्या कहना चाहिए? मेरा ये कहना चाहिए कि ये जो है जो पाकिस्तान जो टीम के लिए जो फास्ट बॉलर के स्पिनर के लिए, क्योंकि दुबई के पीछे नहीं ना पाकिस्तान के पीछे, क्योंकि ये इसको कहते हैं ऑस्ट्रेलियन मेलबर्न के पीछे इंग्लिश पीछे, ये कम अज़ कम इंडिया ने चार फर्स्ट बॉलर के लाए, तो पाकिस्तान को भी चार फर्स्ट बॉलर के लाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बॉल जो है ना बहुत स्विंग होती है और बहुत तेज़ चलती है, लेकिन पाकिस्तान जो है दो स्पिनर के लाए लेकिन उसको कोई फ़ायदा से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। बाबर आजम और रिजवान दोनों आज स्कोर नहीं कर सके, वर्ल्ड क्लास ओपनर माने जा रहे हैं ICC के अंदर, फिर भी क्यों नहीं खेल पा रहे? वो सिर्फ पाकिस्तान के से दुबई में और पाकिस्तान में वो चैंपियन, वैसे बाहर मुल्क में नहीं कह सकते इन लोगों, क्योंकि इन लोगों का जो है ना बाहर पिचों में खेलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पिच के भीतर तो ग्रास होता है, बॉल स्विंग होता है, इनसे खेला नहीं जाता है। विराट कोहली ने आज 70+ स्कोर किया, विराट कोहली के बारे में क्या कहना चाहिए? विराट कोहली तो प्लेयर है भाई, उनको पता है कि उसने बिग बैश मैच खेलता है, वो IPL खेलता है, उनको पता है कि मैंने बॉल कैसे शॉट मारना, कैसे खेलना, कैसे बॉल को मैंने प्लेस करना है, लेकिन वो पाकिस्तान के प्लेयर में इतने वो नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है पाकिस्तान टीम को क्या बेहतरी करनी चाहिए जिसकी वजह से पाकिस्तान आइंदा आने वाले मैच जीते? पाकिस्तान अगर बेहतरी करना चाहे तो मोहम्मद या नवाज को या शादाब को बिठाना चाहिए, या वसीम जूनियर
और या हसनैर को खिलाना चाहिए पाकिस्तान को। इंडियन टीम के लिए कोई मैसेज देना चाहिए? इंडिया टीम आज विराट कोहली ने बहुत अच्छा खेला है, जय उसने मार्शला मैच जीता है, लेकिन उसने जो फिनिश किया मैच इसने बहुत अच्छा खेला है विराट कोहली ने। सर थैंक यू सो मच। जमील भाई आज आपने मैच देखा, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच हुआ, एंड तक पता लग रहा था या तो पाकिस्तान जीतेगा या इंडिया जीतेगा, बहरहाल इंडिया मैच जीत गया, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? यार भाई मानना पड़ेगा कि भाई उन्होंने वन मैन आर्मी बन गया विराट कोहली भाई, पूरी पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन को उसने बताया कि भाई इसमें यहाँ पर गलतियाँ ये ठीक करो, कमाल का यार। वो अभी रिसेंटली आईसीसी ने एक पिक्चर सेंड की है, वो देखा आपने, एक बड़े से तख्त पर जो के विराजमान होते हैं शाहजहां साहब, उस तरह की एक पिक्चर भाई उसमें से आईसीसी ने किया भाई, बनता है यार उनको अप्रिशिएट बनता है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में वर्ल्ड क्लास बॉलर पाकिस्तान के माने जा रहे हैं, 4-5 बॉलर हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से विकेट भी लेते हैं, और पाकिस्तान के जो ओपनर हैं आईसीसी ने कहा था रिजवान और बाबर आईसीसी के सबसे अच्छे ओपनर जा रहे हैं, पर रिजवान और बाबर आज परफॉर्म क्यों नहीं कर सके? यार ये गेम है भाई, बड़ा मैच था, बड़ा आपने देखा क्राउड कितना हाउसफुल था, प्रेशर होता, लेकिन हुई कुछ ना कुछ फॉल्स थे, एक ना चलता तो एक को चलना चाहिए था, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि यार चलो कोई बात नहीं अगला मुकाबला फिर देखेंगे इंडिया। आपको क्या लगता है कि मैच किस हद तक फिक्स था, क्योंकि एंड वाले ओवर में 9 बॉल भी हुई, छक्का भी हुआ, उसके बाद वाइट भी हुई। मैच फिक्स नहीं है यार, मैं नहीं मानता इस बात को कि फिक्सिंग करेगा कोई प्लेयर अपने मुल्क के साथ गद्दारी करेगा या कोई भी वट एवर, नहीं हो सकता। तो आपको क्या लगता है कि एंड वाले जो ओवर है उनके अंदर 9 बॉल करना और वाइट करना, क्या ये ठीक है मैच के लिए? यार प्रेशर होता है भाई, यार किसी पे प्रेशर होता है तो भाई उसको बंदे को भी, वो भी एक इंसान ही है, प्रेशर इतना ज़्यादा, हमसे 4-5 बंदे खड़े हो तो बात नहीं हो पाती, तो वो तो भाई क्राउड के अंदर लाखों करोड़ों लोगों के अंदर वो खेल रहे हैं, तो भाई इग्नोर कर देना चाहिए। आपको क्या लगता है पाकिस्तानी टीम को अपने अंदर क्या बेहतरी करनी चाहिए कि आइंदा आने वाले मैच वो जीत सके? बेहतरी यार हमारे मिडिल ऑर्डर स्कोर, हमारे बैट्स, बैटिंग हमारी इतनी क्लियर नहीं है जितनी इंडिया की है, बैटिंग लाइन से हम मार खाते हैं, बॉलिंग नो डाउट कि हम वर्ल्ड के बेस्ट तरीन बॉलर्स हम रखने वाले हैं, 4 बॉलर जो हमारे पिच उनकी देखिए, उनकी आप स्पीड देखेंगे तो भाई उनके बहुत कमाल की स्पीड है। आपको क्या लगता है कि जो पाकिस्तानी टीम है ये सिर्फ दुबई की टीमें और शारजा की टीमों में और पाकिस्तान की जो जब मैच होते हैं इधर पिचों पर मैच होते हैं, क्या इन पे अच्छा काबिलियत से खेल सकते हैं, और जो मेलबर्न की पिच है, ऑस्ट्रेलिया की पिच है, उसके अंदर क्यों पाकिस्तानी टीम लड़खड़ा जाती है? भाई आपने देखा नहीं कि वर्ल्ड कप जो उनसे इमरान खान साहब ने लेके आया था 98 का, वो इसी से ऑस्ट्रेलिया में जीते थे, अब इंशाल्लाह ये वर्ल्ड कप भी हमारा ही है, आप बस तैयार रहे। इंडिया की टीम के लिए कोई मैसेज? इंडिया की टीम यार बेस्ट है भाई, इंडिया को बीट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन करेंगे हम, इंशाल्लाह जीतेंगे हम। सर थैंक यू सो मच।